भेंट मुलाकात कार्यक्रम में चंद्रपुर और फार्मगढ़ दो विधानसभा करके आऊँगा और अब लगभग 40 विधानसभा कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों तरफ से सवाल हो मुख्यमंत्री जी, सबसे बड़ी बात अभी जो व्यक्त की है कि जो रुपया कमजोर हुआ है तो मोदी सरकार की नीतियां और योजनाएं फेल मानी जा रही हैं क्या? हाँ, वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि रुपया कमजोर नहीं हुआ, डॉलर मजबूत हुआ है। मतलब देखिए, इसके जो नीति है ये अब 3-4 साल उनके बीत गए, इस पंचवर्षीय में ऐसी कोई योजना जनता के लिए लाए नहीं। पिछले पंचवर्षीय में नोटबंदी और GST लाए, उसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है, बेरोजगारी और दूसरी तरफ महंगाई, GST के कारण से महंगाई और नोटबंदी के कारण से बेरोजगारी, ये दोनों बढ़ा है। और किसान अलग परेशान है, नौजवान अलग परेशान है, रोजगार कहीं मिल नहीं रहा है, किसानों को दाम नहीं मिल पा रहा है। और ये अभी जो स्थिति है देश में और पूरी दुनिया में, उससे उबारने का एकमात्र रास्ता है वो गांधी का रास्ता है, जो स्वावलंबन की ओर बढ़ने की बात कर रहा है। आज पूरी दुनिया में ऊर्जा के संकट है, चाहे वो पेट्रोलियम के मामले में कहें, चाहे गैस के मामले में कहें, चाहे प्राकृतिक गैस के मामले में कहें, या कोयला के कहें, बिजली के कहें, ये ऊर्जा एक बड़ी संकट के रूप में पूरी दुनिया सामने आया है। क्योंकि ये जो युद्ध हुआ है, हो रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, उसके कारण से जो यूरोप में जो गैस पाइप जा रहा था वो बाधित हुआ, उसके कारण से पूरा यूरोप है वो थर्मल पावर की ओर जा रहा है, बिजली का दर बढ़ा हुआ है, वहाँ के लोग सड़कों पर आ रहे हैं, स्थिति बहुत भयावह है। तो ऐसे स्थिति में कोयले के भाव बढ़ने वाला है, पूरे बढ़ भी चुका है, विदेश से जो कोयला आ रहा है वो 18,000-20,000 रुपया प्रति टन के हिसाब से आ रहा है। ऊर्जा महंगा होगा, पेट्रोल और डीजल के भाव की स्थिति में आपको सब पता है, ये भाव बढ़ने वाला है। दूसरा, यूक्रेन है वो पूरा गेहूं सप्लाई करता था यूरोप में, तो खाद्यान्न का संकट अलग से है। और इसी कारण से भारत सरकार ने क्या किया है, जो खंडा यहाँ से चावल कनकी जा रहा था उस पर निर्यात के बैन लगा दिया, निर्यात बैन होने के नुकसान हमारे छत्तीसगढ़ किसानों को हुआ। अभी बरसात में मंडियों में जो धान 1900 से 2400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा था, 300 रुपये गिर गया। भारतीय जनता पार्टी तो आरक्षण भी खत्म कर रहे हैं, वो तो चाहते नहीं। और देख लीजिए 2005 से लेके अब तक ही क्या गया, जब तक 18 में थे तब तक। दूसरी बात यह है कि आरक्षण देना मत पड़े, इसके लिए जितने भी सार्वजनिक उपक्रम है सबको बेच रहे हैं, बालको बिका भिलाई बिकने वाला है, नगर नार बिकने वाला है, रेल बिकने वाला है, रेलवे स्टेशन बिकने वाला है, उसमें भर्ती बंद कर दिए, एयर इंडिया भेज दिए, एयरपोर्ट भेज दिए, तो आरक्षण का लाभ कहाँ मिलेगा? जब पद ही नहीं रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट भर्तियाँ भी बंद कर दिए हैं और सार्वजनिक उपक्रम में जहाँ नौकरी मिलती थी वो भी बंद कर दिए, तो दोहरा मार। आरक्षण का लाभ अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, महिला को ना मिले, इसके लिए वो ये सब खत्म कर रहा है। सर, किस मार्च को महासमुंद में किसान मोर्चा बैठक? ये मध्य प्रदेश में MBBS की पढ़ाई हिंदी में होगी अब से, क्या छत्तीसगढ़ में भी इसकी कोई कार्रवाई? पहले पढ़ाई तो शुरू होने दीजिए, उसका अभी प्रदेश शुरू किया है तो उसका लाभ हानि देख लेते हैं, उसका छात्रों में रिएक्शन देख लेते हैं, वो अडाप्ट करते हैं तो हम लोग भी करेंगे, और नहीं तो एक्सपेरिमेंट कर ही रहे हैं। सर, डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि राजनाथ गांव से वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये पार्टी हाईकमांड तय करेगा, और मतलब खुद कंफर्म नहीं हो रहे कि वो चुनाव लड़ेंगे भी नहीं। आपके मुँह से कल उनका बयान है, आपके माध्यम से जानकारी, वो बैठे बैठे वही कर रहे हैं, कहीं जाते नहीं, कोई बुलाते भी नहीं, तो ले दे के एक बयान भर दे देते हैं ताकि उसमें पत्रकारों के बीच में जाए और ये सवाल मुख्यमंत्री से पूछ लो तो
वायरल हो जाएगा। उसका उद्देश्य केवल इतना ही है। अब वो लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, लड़ाएंगे नहीं लड़ाएंगे, वो उसकी पार्टी जाने। किस मामले में? आरक्षण के, आरक्षण के मामले में ये है कि देखिए क्वांटिफाइबल डाटा के लिए हमने पटेल आयोग का गठन किया हुआ है। बहुत अब वो जल्दी उसका उसका रिपोर्ट आने वाला है। और हाई कोर्ट में पिछले समय गए थे तब भी ये बात आई थी कि आपने ये आरक्षण दिया उसका आधार क्या है। तो क्वांटिफाइबल डाटा के जब तक के हमको नहीं मिलेगा तो हम आधार क्या बताएंगे? कोई ना कोई व्यक्ति कोर्ट जाएगा, तो उसके आधार बताने के लिए क्वांटिफाइबल डाटा बहुत ज़रूरी है, ताकि हम EWS को भी दे सकें, पिछड़े वर्ग भी दे सकें, अनुसूचित जाति की भी दे दें, जनजाति की। तो जनजाति और अनुसूचित जाति इसका तो जनसंख्या के आधार पर करना है। EWS के लिए भी, चूँकि अब यहाँ कितना 10% तक दे सकते हैं, अपर क्लास के जो वेकर सेक्शन हैं उसको 10% तक दे सकते हैं। तो जब तक के हमारे पास डाटा नहीं होगा हम कैसे क्या करेंगे? तो इसलिए चाहे पिछड़े वर्ग को हो चाहे अपर क्लास के जो गरीब वर्ग के लोगों को जो आरक्षण देना है, तो क्वांटिफाइबल डाटा होना जरूरी है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जो है बेहतर परफॉर्मेंस, बस्तर के हर जिला कभी न कभी कोई न कोई जो उनके मापदंड हैं उसमें, कभी शिक्षा में, कभी स्वास्थ्य में, कभी और माप पैमाना है उसमें, वो बराबर प्रथम द्वितीय तृतीय रैंक ला रहे हैं। मैं सबको बताई देता हूँ।